जय नमस्कार साथियों साथियों, मैं सिद्ध अमित बोध के फिजिकल अकेडमी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे भाइयों का कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आ रहा था। तो साथियों देखिए, आज यारो गया आर्मी रैली भर्ती 2023 का मैं कटअप लेकर आया हूं। साथियों, इसके पहले भी मैं एक वीडियो डाला हूं, बट उस वीडियो से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट था, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं बार बार कि सर आप बरीके से डिटेल्स में एक वीडियो लाइए। तो साथियों देखिए, आप लोगों के सामने मैं डिटेल्स में वीडियो लाया हूं और ये जो कटअप है साथियों लगभग सटीक रहेगा। इससे एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि कटअप जो है, तो जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों का, लगभग यही रहेगा। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आज आप लोगों को मैं बता दूं कि एआरओ रांची और एआरओ मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती का जो है रिजल्ट आ गया है साथियों, और इन दोनों का जो है रिजल्ट आज फाइनल हो गया है। तो आप लोगों का भी रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, बट ये जो है आज ही रिजल्ट आया है, इसलिए मैं ये आप लोगों को मैं बता दिया हूं। बट इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया हूं कि एआरओ रांची और एआरओ मुजफ्फरपुर का जो है रिजल्ट आ गया है। साथियों आइए देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट था कि सर आप डिटेल्स वीडियो लेकर के आइए। तो आइए देखिए, हम आप लोगों के लिए जो है तो बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, इसमें आप लोगों को सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा साथियों। तो साथियों देखिए, सबसे पहले फिजिकल की हम लोग बात करते हैं। एआरओ गया आर्मी रैली भर्ती का, तो देखिए सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में जो अभ्यर्थी 100 उठाए हैं, 88 फिजिकल दो तरह से, अगर एक्सीडेंट मारे हैं तो उसका उनका फिजिकल 100 आएगा, अगर गुड मारे हैं तो उनका जो फिजिकल 88 के आसपास आएगा। साथियों इस भर्ती में फिजिकल जो है सो मायने रख रहा है आपका जीडी का और ट्रेडमैन का। जीडी का ट्रेडमैन का जो है फिजिकल में मार्क्स जुटती है, और आपका कलर का और नर्सिंग का फिजिकल का जो है मार्क्स नहीं जुटती है साथियों। तो सबसे पहले आप ये जो क्लियर हो जाइए कि जो मैं लिखा हूं कलर का और नर्सिंग जो नो लिखे हैं, मतलब इसमें खाली सिर्फ आपको फिजिकल क्वालिफाई होना होता है, फिजिकल में से आपको नंबर नहीं मिलता है। साथियों जीडी की बात करते हैं, तो जीडी अगर फिजिकल, जिन भाई फिजिकल में अगर आप 100 लाए हो, यानी एक्सीलेंट लाए हो, दौड़ एक्सीलेंट है, बीम आप 10 सॉलिड मारे हो, अगर 100 में 100 आपका फिजिकल है साथियों, और अगर आपका रिटेन में, अगर आपका क्वेश्चन अगर 50 में से अगर 33 सही है, तो मैं आप लोगों को आशा विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही सेफ जोन में है। साथियों अगर आपका फिजिकल 100 है, क्वेश्चन आपका 33 सही हो रहा है, तो टोटल ऐड करके अगर देखा जाए तो आपका 166 और 166 प्लस अगर जा रहा है आपका, तब बहुत ही आप सेफ जोन में। मैं इसके सीट पर ही बात करूंगा, पिछले वैकेंसी के हिसाब से गए आर्मी इस सीट बहुत बेहतर है, मैं लास्ट बताऊंगा। साथियों अगर जो भाई का अगर मान लीजिए कि 88 आ रहा है नंबर फिजिकल में, तो उसको जो है तो उनको जो है तो आपको 39 प्लस लाना होगा, 39 प्लस आएगा तब जाकर के साथियों देखा जाए तो इनका भी जोड़ करके कितना आएगा, 166 प्लस आएगा। जाहिर सी बात है कि ये एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है साथियों। तो देख सकते हैं ये आपका हो गया जीडी का। अगर हम ट्रेडमैन की बात करते हैं साथियों, तो ट्रेडमैन की बात करते हैं, इसका जो 8 पास भी लोग भरते हैं, 8 या 10th पास, इसमें तो आपका 10th पास ही होता है। तो ये अगर देखा जाए तो 8 या 10th जो भी अभ्यर्थी जिस अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से भरे हैं, तो अगर फिजिकल की हम लोग बात करते हैं, अगर फिजिकल इनका 100 है, फिजिकल अगर 100 है, और अगर रिटेन अगर 32 क्वेश्चन मात्र सही हो रहा है साथियों, मात्र 32 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, और टोटल जोड़ करके 164 अगर आ रहा है, टोटल मार्क्स 164 आ रहा है, 164 प्लस जा रहा है, यानी वो सेफ जोन में, उनको डरने की जरूरत नहीं है साथियों। अगला हम लोग बात करते हैं जिन भाई का 88 मार्क्स आ रहा है, यानी दौड़ में एक्सीडेंट नहीं आए हैं, गुड आए हैं, और 88 मार्क्स आ रहा है, अगर उनका रिटेन में 38 क्वेश्चन सही है साथियों, तो
उनका भी जोड़ करके 164 आ रहा है, वो भी भाई सेफ जोन में है, किसी प्रकार से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से। मैं बता रहा हूँ दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक मैं सेफ कटअप बता रहा हूँ पिछले कटअप के हिसाब से साथियों। और भी मैं बता रहा हूँ कि आज ही के दिन जो है जो आपका एआरओ रांची और एआरओ मुजफ्फरपुर का रिजल्ट आया है और उसका कटअप के हिसाब से भी हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो आपका एआरओ है और गया एआरओ का सीट लगभग सेम है साथियों, और इसका भी कटअप जो है मैं बता रहा हूँ इसी के आसपास कटअप है साथियों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पापा वाले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा साथियों। देखिए अगर हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल की अगर बात करते हैं, अगर 35 क्वेश्चन जिन भाई का सही है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए मैं ब्रैकेट लिख दिया हूँ, 200 मार्क्स का इनका जो है सो रिटर्न हुआ था, यानी कि 50 क्वेश्चन इनका आया था तो एक क्वेश्चन जो है सो 4 नंबर का था साथियों। जिन भाई का 35 क्वेश्चन सही है, 35 प्लस क्वेश्चन सही है, अगर 140 मार्क्स आप उठा रहे हैं तो आप सेफ जोन में साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। सेम मैं बता रहा हूँ कलर की बात करता हूँ, तो कलर में देखा जाए तो 35 क्वेश्चन अगर सही है आपका तो आप सेफ जोन में है, 35 क्वेश्चन सही है 140 नंबर प्लस आ रहा है, इसमें भी 200 मार्क्स का आपका रिटर्न है साथियों। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको कलर और टेक्निकल में फिजिकल से क्वालिफाई होना है, फिजिकल से नंबर एड नहीं होता है साथियों। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा साथियों। देखिये एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जिन भाई के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपका एनसीसी ए हो बी हो सी हो या आईटीआई सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, तो साथियों उन भाई को जो है अगर ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास है तो अतिरिक्त आपको 25 अंक मिलेंगे। अभी अगर बात करते हैं एनसीसी अगर आपके पास है तो एनसीसी में अगर आपका सी है तो 20 नंबर मिल जाएगा, और आईटीआई है तो इसमें भी आपको है 20 के आसपास मिलता है, स्पोर्ट्स है तो इससे 10 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका तीनों है तो तीनों में आपको 20-20-20 से आपका 10 यानी 50 नहीं मिल जाएगा साथियों, 20-20-40-40-50 नहीं मिलेगा, आपको 25 का अंक मिलेगा। जैसे मान लिया स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास है एनसीसी का है, एनसीसी का जिसमें 20 नंबर मिलेगा वैसे आपको 5 नंबर दोनों ऐड करके आपको जो है तो 25 अंक मिलेगा साथियों। तो जिन भाई का ये सर्टिफिकेट है तो आपको सोने पर सुहागा है, आप सेफ जोन में है। अगर इधर मार्क्स आपका कम भी आ रहा है तो ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास है आपका जो है अतिरिक्त अंक जुट जाएंगे, किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए जिन भाई के पास ये सर्टिफिकेट है या तो बी सर्टिफिकेट है, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको कम अंक मिलेंगे 5 नंबर के आसपास मिलेंगे, और बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर के आसपास मिलेंगे, अगर सी आपके पास है तो 20 नंबर फुल मिलेंगे साथियों। अगर ये आपको है सारा आपका है तो आपको टोटल जोड़कर दीजिए तो 25 अंक मिलेंगे, और जो आपका कट ऑफ आ रहा है उसमें 25 अंक आप जोड़े दीजिए, देखिए चल आपका मेरिट बनना तय है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हमारे हिसाब से आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत सारे भाई का कॉल आ रहा था, फोन आ रहा था, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर डिटेल से वीडियो बना के दीजिए। ये आपका सारा हो गया। जहां तक सीट की सवाल है, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर गया एआरओ में सीट क्या है, तो देखिए मुजफ्फरपुर और आपका मुजफ्फरपुर एआरओ और रांची एआरओ का रिजल्ट आज आ गया है, और लगभग देखा जाए मुजफ्फरपुर एआरओ और गया एआरओ का सीट लगभग समान रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गया एआरओ में सीटों की जो संख्या होगी, गया एआरओ में सीटों की जो संख्या होगी 500 से लेकर 600 के बीच में है साथियों, 500 से 600 के बीच में साथियों सीट है। जहां तक मैं पता किया एग्जेक्ट, ये जो आर्मी का जो भी आपका बाहर भी होती है एग्जेक्ट आपका मिलता नहीं है, लेकिन मैं बात करके इंफॉर्मेशन लेकर के मैं एक लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग जो हिसाब से हमको जानकारी मिली है आपको बता दें कि 500 से लेकर के आपको 600 के बीच में सीट है आपका, ठीक है। ये भी आपका मुजफ्फरपुर का लगभग यही है ठीक है साथियों। और साथियों अगला वीडियो जो आप लोग का होगा मैं आप लोगों को फाइनली बताऊंगा, इतना तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि आपको इस मंथ में गया एआरओ का रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि मेडिकल लगभग क्लियर हो गया है, और आप लोग का जो है एनसीसी हो गया या स्पोर्ट्स या एटीआई जो भी जिन भाई के पास है बैठक हो चुकी है, और ये जो डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होने लगा है
जो स्पोर्ट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उसका वेरिफिकेशन चालू हो गया है और आप लोग को बहुत ही जल्द मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा कि कितने तारीख को आपको जो है सो कितने कौन से वीक में और कितने तारीख को आपको जो है सो रियल आने वाला साथियों। तो आप लोग को जो है अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर आप हमारे नए हैं साथियों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद।